दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निज़ाम। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं आपके सामने। अच्छा लगे तो लाइक करना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ना लगे मत सब्सक्राइब करना। बहुत काम की जानकारी देता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज बात करेंगे बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, जो कि एक पेड स्ट्रेटजी है जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। तो दोस्तों, हम आ गए बाइनेंस एक्सचेंज पर। ये मोबाइल एप्लीकेशन पर ये स्ट्रेटजी आपको नहीं यूज़ करनी है, इसके लिए आपको tradingview.com का चार्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं लाया इसलिए हूँ क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि आपको कितने कम से कम कितने अमाउंट से यहाँ पर ट्रेड करना है। तो अमाउंट में जहाँ पर टोटल जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए कार्डानो की, तो उतनी क्वांटिटी यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो। यानी कि अगर यहाँ पर हम 500 की क्वांटिटी फिलअप करेंगे और 10x का लीवरेज यहाँ पर लिया है मैंने। आपको 10x का नहीं लेना है, आपको 2x, 3x या 5x, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी आप ज़्यादा रिस्की बंदे हो, ज़्यादा रिस्की ट्रेड कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो उसको, तो आप जा सकते हो। यहाँ पर देखो, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो है, किसी को बाय या सेल करने की सलाह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की। अगर तो यहाँ पर अगर हम 10x के लीवरेज के साथ ट्रेडिंग करते हैं 500 क्वांटिटी कार्डानो की, यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल कार्डानो का चार्ट लिया। आप किसी भी स्क्रिप्ट का चार्ट ले सकते हो, किसी भी कॉइन का चार्ट ले सकते हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का चार्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें बाई साइड जाने के लिए 67 $67 हमारी कैपिटल लगेगी। 10x का लीवरेज है। अगर ओरिजिनल में ये क्वांटिटी 500 हम लेते हैं स्पॉट में, तो हमें लगभग $672 देना होंगे। ठीक है, वहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख लेना। अब यहाँ पर बेसिकली बात आती है कि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 सेंट, अगर जैसे मान लीजिए 1.33 के आसपास प्राइस चल रहा है, हमें अगर 1.35 तक टारगेट मिल जाता है, हमें 1.37 या 36 तक भी टारगेट मिल जाता है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें 2 सेंट, 3 सेंट या 4 सेंट। तो ये सेंट को इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि ये हो गया 2 सेंट, ये हो गया 3 सेंट, ये हो गया 4 सेंट। ये टारगेट, ये टारगेट या ये टारगेट, ये तीनों में से कोई भी टारगेट मिल जाता है तो हमें वहाँ पर अपनी एंट्री को क्लोज करना होगा। क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा वो 5 मिनट के चार्ट पर होगी, और 5 मिनट के चार्ट पर 1-2%, 3% का प्रॉफिट एनफ होता है। स्टॉक मार्केट में आप जाते हो, ट्रेडिंग करते हो, किसी भी बंदे में से आप पूछ लेना जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोग हों, डे ट्रेडिंग वो जो करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, उस पर 1% का ही प्रॉफिट रख के चलते हैं। 1% उनको मिल जाता है, वो जय जय के नारे लगाकर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं बहुत बड़ा ट्रेड कर लिया। क्रिप्टो करेंसी की फ्यूचर ट्रेडिंग में बाइनेंस एक्सचेंज पर या होबी ग्लोबल पर आपको 2%, 3%, 4% मिलना बहुत इजी सी बात है। प्राइस अगर थोड़ा सा हिलेगा भी तो 2-3% ऊपर नीचे करता है। अब उसी को जब हम रिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं दोस्तों, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें किस ओर जाना है। क्योंकि यहाँ पर तो दोस्तों दो रास्ते हैं ना, यहाँ पर तो बाई भी आप कर सकते हो, यहाँ पर तो आप सेल भी कर सकते हो। अभी मार्केट पूरी तरीके से क्रैश है, अभी हमें क्या करना है? अभी हमें रोना नहीं है, हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। क्योंकि हमने अपनी सारी कैपिटल तो झोंक दी है उधर, ज्ञान के अभाव में हमें जानकारी नहीं थी, उस वजह से हमने नहीं समझ पाए और वहाँ पर हमने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया। अब हम लॉस में हैं, 80% लॉस में हैं, 70% लॉस में हैं या 90% तक लॉस में हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बैठ के सोचना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बहुत काम की बात बता रहा हूँ। कभी भी दिमाग में किसी भी तरीके की टेंशन हो, ये चाहे आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो, या आपके कोई घरेलू टेंशन हो, या आपके कोई बिजनेस पर्पज़ की कोई टेंशन हो, आपको जब भी टेंशन हो, आप अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करना, कोई दूसरे काम में लगाने की कोशिश करना, या इस दौरान जब तक के कुछ नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग सीखने में दिमाग लगा लो। हम कह रहे हैं आप फ्यूचर ट्रेडिंग मत करो, आप इसको सीखने में दिमाग लगा लो जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइम ड्यूरेशन का कुछ तो आपको फ़ायदा मिलेगा ना, आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको। अब यहाँ पर दोस्तों कार्डानो का ही चार्ट लिया है, और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है दोस्तों 5 मिनट का है। यहाँ पर हमें 2 इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो tradingview.com की चार्टिंग साइट को नहीं चलाना जानते हैं, तो वो हमारी ऊपर प्लेलिस्ट मिलेगी। एक प्लेलिस्ट मिलेगी tradingview.com के नाम से, उसको देख लेना। दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, उस पर पूरा सब कुछ आपको बेसिक से बताया गया है, वो सारे वीडियो देख लेना। फिर इस वीडियो को देखना तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं इंडिकेटर के कॉलम में। तो हमें यहाँ पर इंडिकेटर के कॉलम को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइप करना है MACD, यानी MACD। इसको MACD भी बोलते हैं, MACD भी बोलते हैं, और अगर इसका वैसे अगर फुल फॉर्म पूछोगे तो इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। उसके बाद यहाँ से हमें इसको हटा देना है, और यहाँ पर हमें लिखना है VWAP। ठीक है, VWAP लिखेंगे और इसको VWAP को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से इसको हटा देंगे। देखो, VWAP को जो लोग पहले से जानते हैं उन्होंने देखा होगा कि VWAP की जो पहले एक ही लाइन आती थी, बाकी ये सब नहीं आता था जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये है VWAP। तो ये VWAP इस तरह से नहीं होता, इसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन होती। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड नहीं है, सिंपल सा आपको इसकी सेटिंग करनी होगी। देखो, दोनों ही इंडिकेटर में सेटिंग करनी है हमें, तो सेटिंग के कॉलम में गए, अपर बैंड को हटा दिया हमने, लोअर बैंड का टिक हटा दिया, बैंड्स फिल का टिक हटा दिया। अब ये बची VWAP की लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हो ये केवल VWAP की लाइन बची है, बाकी एनफ है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से ओके कर देना है, बाहर जाना है। वैसे ब्लू कलर भी काफ़ी अच्छा है, व्हाइट चार्ट पर और ब्लैक बैकग्राउंड पर अच्छे दिखता है। अब देखो हमें MACD में क्या करना है, हमें MACD की क्लिक करना है इसकी सेटिंग को। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आता है इनपुट्स में हिस्टोग्राम, सॉरी स्टाइल में, उसके बाद यहाँ पर आता है MACD सिग्नल। हमें MACD और सिग्नल को हटा देना है, यही दोनों कन्फ्यूज़ करते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो सेटिंग है इसकी इनपुट की जो सेटिंग है 12, 26, 9 और सोर्स है क्लोज, ठीक है। इस पर हमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है और इसको यहाँ से सिंपल सा कर देना है, ओके। अब देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर जब हम जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से हमने एक चार्ट को लगा लिया, तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लो कि आपको काफ़ी लोग सोच रहे होंगे मैकडी को बताओ भाई क्या है, वीवाइप को बताओ क्या है। तो मैकडी को तो बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, बस इतना सा आपके लिए समझना ज़रूरी है। अब मैकडी को ऊपर आप देखते होंगे एक तरफ ग्रीन हिस्टोग्राम बनते हैं, वही हिस्टोग्राम जब नीचे आते हैं तो लाइट ग्रीन कलर के हो जाते हैं, इसी तरीके से रेड हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बनते हैं और जब पिंक हिस्टोग्राम बनते हैं तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लगती है। बीच में आपको एक लाइन दिखाई पड़ती है ना कि ग्रीन हिस्टोग्राम इधर है और रेड हिस्टोग्राम दूसरे साइड है। तो ये बेसिकली जो सारा मामला है ना ये जीरो लाइन का ही है, ये जीरो लाइन का ही सारा मामला है। अब देखो हमें करना क्या है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे बात करते हैं देखो वीवाइप की। वीवाइप क्या है, वीवाइप एक मूविंग एवरेज नहीं है, इसको मूविंग एवरेज मत समझना। वीवाइप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मूविंग एवरेज में आपको जितने पीरियड का मूविंग एवरेज लिए होते हैं उतने पीरियड का वो एवरेज प्राइस करके आपको दे देता है एक लाइन के जरिए। यहाँ पर वीवाइप जो होता है, वीवाइप दोस्तों ये वॉल्यूम एवरेज प्राइस जो होता है उसको वेटेज दिया जाता है, उसको वेटेज दिया जाता है किसका, वॉल्यूम का, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब यहाँ पर इसका फार्मूला पूछोगे तो वो तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि टाइम काफ़ी खर्चा हो जाएगा और वो आपके काम का भी नहीं है, हमें नहीं समझना है उसको। क्योंकि आप टीवी फ्रिज एसी जब भी कुछ लाते हो तो उसकी कंपनी से उसका फार्मूला पूछते हो कैसे बनाता, आप उसको सिर्फ यूज़ करना पूछते हो उससे कि कैसे भाई कहाँ से ओपन होगा और कहाँ से ये बंद होगा और कैसे इसके चैनल चेंज होंगे, कैसे क्या होगा, ठीक। वही बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, हमें इसका फार्मूला नहीं समझना, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना, हमें इसका फार्मूला नहीं समझना, हमें इसको ट्रेड करके पैसा कमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली समझ लो कि ये सिंपल सी जो लाइन होती है ना, प्राइस जब इसके ऊपर होता है जैसे यहाँ पर ऊपर था तो नीचे गिरता है तो ये सपोर्ट का काम करती है एज ए मूविंग एवरेज। जब प्राइस नीचे होता है, अगर प्राइस जैसे इसके नीचे है, नीचे चला गया, तो अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, लेकिन हमें इसमें स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर आज के दिन ही बहुत ज़बरदस्त ट्रेड था। देखो यहाँ पर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा, आप इसको देखना समझना। देखो पहला हिस्टोग्राम यहाँ पर ध्यान रखना, ये पहला हिस्टोग्राम बना, यहाँ पर हमने एक वर्टिकल लाइन को लगा लिया पहले हिस्टोग्राम के ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अरे यार हिस्टोग्राम बना तो मार्केट नीचे जा रही है भाई, हमें ट्रेड लेना है, नहीं ट्रेड नहीं लेना है मेरे भाई, ट्रेड कब आपको लेना है सबसे काम की बात बताता हूँ, देखो ध्यान देना। यहाँ पर जब ये मूवी, ये देखो ये कैंडल बड़ी सी बनी, खूब बड़ी सी बनी, मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही, नीचे नहीं जा रही है, नीचे तो जा रही है लेकिन क्लोज कहाँ कर रही है, देखो क्लोज इसने किया ऊपर आकर, क्लोज किया वापस, प्राइस यहाँ तक लो गया लेकिन क्लोज इसने किया ये जो सॉलिड बॉडी है यहाँ पर वीवाइप के ऊपर, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, वीवाइप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पर वर्क करता है, ये सिर्फ बेसिक एक इंडिकेटर इसलिए बनाया गया है कि जो डे ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, इसको डेली चार्ट पर लगाओगे दिखेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखो डेली चार्ट में कर रहा हूँ, दिखेगा लेकिन कैसे दिख रहा है, सब सबके बीच में घुसा है, कोई फ़ायदा समझ में आ रहा है नहीं, तो इसको हमें छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 15 मिनट, बस इससे ऊपर नहीं, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेहतरीन है डे ट्रेडिंग के लिए मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मार्केट मैंने कहा था ना जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उसको एक सपोर्ट का काम करता है, जब ऊपर से नीचे गिरेंगे बॉल को नीचे फेंकेंगे तो ज़मीन पर ही टिप्पा खा के उछलेगी ना, तो देखो बॉल उछली यहाँ पर, फिर बॉल नीचे गिरी, फिर थोड़ा सा उछली, फिर नीचे गिरी, तो आगे ज़मीन ख़त्म हो गई थी तो बॉल चली गई नीचे, और देखो कितना नीचे चली गई, अच्छा खासा नीचे चली गई। चार्ट को शेयरिंग करो, देखो कितना ज़बरदस्त ट्रेड है कि नहीं है, बोलो मज़ा आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर हिस्टोग्राम देखो इसके नीचे हैं, मार्केट नीचे जा रही है, हिस्टोग्राम देखो ये ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम ऊपर बनने लगे। काफ़ी लोग आपसे कहते हैं अरे क्रॉस ओवर हो जाए तुरंत ट्रेड ले लो, हमने क्रॉस ओवर ही घटा दिया, क्रॉस ओवर पर ट्रेड ही नहीं लेंगे हम, ट्रेड लेंगे हिस्टोग्राम पर। जो बाबू जो मेन चीज़ है ना वो आपको बताई नहीं जाती है, मेन इसमें होते हैं हिस्टोग्राम, जो हिस्टो जो आपको क्रॉस ओवर दिख रहा है ना लाइन का, वही क्रॉस ओवर यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेन होता है, जब ये जीरो लाइन के ऊपर आएगा तो मार्केट का बुलिश सिनेरियो बोला जाता है। अब इसके साथ अगर हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया तो मार्केट तो थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद धड़ाम हो गई ना, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे है प्राइस। यहाँ पर हमें सेल साइड ही जाना है, बाई साइड करने कोई बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, कहते सर आप गलत हो, बाई साइड नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ सेल साइड होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब प्राइस वॉल्यूम वेट नीचे है प्राइस और हिस्टोग्राम नीचे बन रहे हैं तो हमें सेल साइड जाना है, वीवाइप के ऊपर है प्राइस, हिस्टोग्राम ऊपर बन रहे हैं, हमें ऊपर जाना है। छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे, 2 सेंट 1 सेंट 3 सेंट 4 सेंट बहुत है, ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट करो और बूंद बूंद से सागर को भरो। तो मार्केट इस तरीके से चौपी हो गई थी, ये सब तो मैं पहले सिखा चुका हूँ, देखो पहले मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन सिखाया है, मेन वही है,
मार्केट इसको तोड़ के देखो, यहाँ पर टिप्पा खाई तो कहाँ पर खाई, वैल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को। और ये क्यों वर्क करता है, क्योंकि काफ़ी ट्रेडर इसको फॉलो करते हैं मेरे भाई। देखो यहाँ पर टूटा लेकिन हिस्टोग्राम ऊपर थे, ये कन्फर्मेशन हमें मिली। यहाँ पर ये कैंडल ने क्लोज किया, हम इसके ऊपर हमने ट्रेड ले लिया, ज़बरदस्त मुनाफा। और पीछे चल के देखना चाहोगे, दिखा देता हूँ क्या हो रहा था। यहाँ पर मार्केट गिरी, यहाँ से गिरी, यहाँ तक हमें प्रॉफिट दिया, फिर ऊपर थोड़ा चली, चलने दो। फिर देखो यहाँ से गिरी, हिस्टोग्राम नीचे बने, मार्केट ने हमें यहाँ पर मुनाफा दिया, ठीक है। इसी तरीके से जब और आगे चलोगे, पीछे चलोगे सॉरी, तो बड़ा ट्रेड भी दे सकता है। देखो यहाँ पर मार्केट इसके नीचे थी तो गिरी रही थी ना, ऊपर जैसे ही आई हिस्टोग्राम ऊपर बने, हमें ट्रेड में इंटर कर जाना है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो स्टॉप लॉस बेसिकली से देखो बता दे रहा हूँ, उसी का उल्टा कर लेना भी, सेल साइड का स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मैं चार्ट को थोड़ा सा ये देखो, अब यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोज किया, जो छोटी सी कैंडल बनी है इसके बगल वाली, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल ने क्लोज किया, हमने इसके लो पर ट्रेड ले लिया, ठीक। वी वेब के थोड़ा सा ऊपर रखना है हमें, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, जैसे कि मान लो हमने इस कैंडल के लो पर ट्रेड लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर 1.36 ऑलमोस्ट यहाँ पर आप समझ सकते हो इसको। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर, यानी वी वेब के थोड़ा अच्छा खासा ऊपर रखना, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि एकदम से प्राइस कभी कभी ऊपर मार देता है ना, ठीक है ना, जब आप लोग का नुकसान हो जाता है, तो वो ना हो, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेना। एक सेंट का तो लगभग यहाँ पर रखना ना भाई, कि अगर दो सेंट का प्रॉफिट ले रहे हो तो एक सेंट तो 1:2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस को लगा दिया। अब हमें मालूम है कि हमें लॉस होगा तो इतना ही होगा, प्रॉफिट हुआ तो देखो कितना हो गया। बस ये थी छोटी सी स्ट्रेटजी, ध्यान से देखना, और इसको पेपर वर्क पे मतलब इसको चार्ट को बैक करके देख लेना पहले, वहाँ पर स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके देखना कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ना समझ पाना तो दोबारा से एक बार देख लेना वीडियो को, अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल करके समझाया है। और फिर उसके बाद जब बैक चार्ट को देख चुके हो ना, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करना कि अब देखो क्या है, अब देखो यहाँ गाइस हमें बाई नहीं करना, इस लाइन के जब ऊपर आएगा तभी हमें बाई करना है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो उस सिंपल फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से, अदरवाइज से ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर किसी को भी मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना एडवाइस कर रहा हूँ कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाकर ट्रेडिंग करो। तो चलो दोस्तों, मुझको इजाज़त दो, नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ, जब तक के लिए। और लाइक जरूर करना यार, आपके एक लाइक से बड़ा दिल को सुकून मिलता है। जय हिंद, जय भारत।